फ्रेंड, हैप्पी होली। सबसे पहले आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए होली के स्पेशल के लिए आज इस बार आप मिठाई ना बनाएं, इस बार आप एक केक ट्राई करें। ये केक आपको ना तो इसमें अंडा चाहिए ना आपको ओवन चाहिए, आप इसे सिर्फ एक गर्म पानी के भगोने में आराम से बना सकते हैं। मैं आपको बहुत ईजी और बहुत जल्दी बनाने का एक तरीका बताने वाली हूँ, तो चलिए हम अपना केक बनाते हैं। तो इस केक के लिए आपको चाहिए, मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। इसमें ये देखिए, मैंने ये करीब बहुत छोटी स्पून, आधा स्पून केवल ये इसमें खाने वाला सोडा डाला है। अब आप इसमें एक चम्मच भर के पूरा ये और एक चम्मच इसमें डालना है बेकिंग सोडा। अब आप इसको इस तरह से इक्वल कर लें। अब आप इसका पेस्ट बनाने के लिए ये मैंने करीब एक कटोरी से थोड़ा कम मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है, और इतना ही करीब आप इसमें आपको शुगर ऐड करना है। ये शुगर आपका पिसा हुआ होना चाहिए, करीब 3/4 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखिए इतना इसमें आप ये पिसा हुआ शुगर डाल दें। अब आप इसमें एक चम्मच पूरा कोको, ये कोको पाउडर है थोड़ा सा, आपको ज़्यादा थोड़ा सा डार्क फ्लेवर चाहिए ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है। अब इसमें आप एक चम्मच करीब कॉफ़ी डाल दें। ये मैंने एक चम्मच इसमें भर के कॉफ़ी का डाला है, आप इसमें नेस्कैफे भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैंने इसमें कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी यूज़ की है। ये देखिए, ये मैंने इसमें थोड़े से चॉको चिप्स भी ऐड किए हैं। अब चूंकि ये एगलेस है तो इसमें आपको करीब करीब 3/4 कटोरी, जो आपने जो कटोरी का आप मेज़रमेंट लेंगे मैदा के लिए, उतना ही आपको ये देखिए 3/4 बाउल भर के मैंने इसमें ये ऑयल डाला है। ये देखिए, ये अब आप इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें चूंकि आपने कॉफ़ी डाली है तो इसको आप करीब 15 मिनट अच्छे से मिक्स करके ऐसे ही छोड़ दें, ताकि जो कॉफ़ी के क्रम्स हैं वो इसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। अब आप इसको करीब 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। और एक ये देखिए, ये मैंने ये बटर पेपर एक कंटेनर में इस तरह से लगा के रखा है, अब आप इसे थोड़ा ग्रीसिंग कर लें। ये देखिए, ये मैंने इसको पूरी तरीके से, आप एक बात का खास ख्याल रखें कि इसके लिए आप कभी भी एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए आप बटर पेपर का ही इस्तेमाल करें और इस तरह से ग्रीसिंग करके बिल्कुल रेडी कर लें। और अब आप पानी कैसे आपको रेडी रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बिल्कुल उसी के साइज़ का, ये देखिए ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आ जाएगा इस तरह से, तो आप इसमें बिल्कुल फिट आ जाए ऐसा वाला एक बड़ा सा भगोना ले लें और आप इसमें पानी गर्म कर लें। एकदम पानी में उबाल आ जाना चाहिए, ये देखिए किस तरह से उबाल आ गए, ये अपना बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें जो हमने बेकिंग सोडा के साथ मिला के ये रखा हुआ था मैदा, बेकिंग सोडा और ये थोड़ा सा खाने का सोडा, ये मैंने तीनों जो मिक्स करके रखा था, अब आप इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं। इसको मिलाते मिलाते आप इसमें थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल करें और इसे मिलाते जाएं। एक बात का ध्यान रखिए कि आप इसमें गर्म दूध इस्तेमाल ना करें, जहाँ तक हो सके एकदम ठंडा दूध इस्तेमाल करें। अगर आप इसमें गर्म दूध का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें थोड़ी थोड़ी गांठें पड़ सकती हैं मैदा में, तो फिर ये आपको दिक्कत आएगा बेक होने में। इस तरह से आप इसे बेक करते जाएं, एक साथ मैदा ना डालें, थोड़ी थोड़ी मैदा डालते जाएं और इसे आप मिक्स करते जाएं। देखिए मैंने ये बिल्कुल आपका बिल्कुल रेडी है। अब इसको डालने के बाद इसके अंदर जब आप मैदा और वो बेकिंग पाउडर डाल दें तो उसके बाद इसे बहुत ज़्यादा समय ना लगाएं, इसे तुरंत कंटेनर में डाल दें। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया है। अब आप इसके ऊपर ही थोड़े से इस तरह से करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है ये तो ज़रूरी नहीं कि आप ये चिप्स इस पर डालें। अब आप इसे बिल्कुल रेडी है आपका गर्म पानी, आप उसमें इसे तुरंत रख दें। ये अब आप इसमें रख दें, ये मैंने इसके ऊपर ये ढक दिया है, अब इसमें से स्टीम बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। इसे ये बात आपको ध्यान रखना है कि अब इसे करीब 40-45 मिनट्स के लिए आप इसे बिल्कुल धीमी आंच पे इसे स्टीम होने दें। तो आप इसे 40 मिनट्स के बाद इसे एक बार छू के देख लें कि ये हो गया है या नहीं। ये देखिए, ये हमारा केक अब एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये आपका कितना स्पंजी केक अभी इसमें बना है, अब आप इसे किसी भी प्लेट में निकाल दें। ये देखिए, अब इसको आप इसे पलट लें, कितनी आसानी से ये आपका पूरा पलट गया। अब इसे आप ये आपका ये केक, ये देखिए बिल्कुल रेडी है, और आपका ये केक इतना बढ़िया केक बिल्कुल रेडी हो गया है।